बता था, मजाक बना के रख दिया। पहले हम फी एकदम कम रहे, आज से 5 साल पहले भी मैप का फीस 200 रुपए था, आज भी है। अच्छा अच्छा, उस समय लोग कहते थे क्या फायदा है पढ़ा पढ़ा के, अभी हम सोचते हैं कभी मुलाकात करें। देखिए, एजुकेशन और मेडिकल बेशक इसमें पैसे हैं, लेकिन ये रोजगार के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी मानवता ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। आपके 6-7 लोगों का परिवार होगा, आपका घर का, उसको क्या बिना पैसे आप रन कर सकते हैं, जबकि आपका परिवार है? तो क्या इंस्टीट्यूट को इतने बड़े रन करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे? आपका मकान मालिक को ये को पंखवा चलाइएगा ना, देखिए तो दिन भर जलाते छोड़ दीजिएगा, जाके सुना देगा यहाँ पे, 150 से ज़्यादा पंखा चलता है, 200 सारा हॉल मिला देंगे तो उससे ज्यादा। तो इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसे हम लोग रनिंग कॉस्ट कहते हैं। वो बस हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि रनिंग कॉस्ट हमारा आ जाए, 1-2 महीने का बैकअप में रहे, क्योंकि उसे जब कब लॉकडाउन मत चलाए, वो आ गया तो वो बैकअप को 2 महीना से बढ़ा के 3-4 महीना करना पड़ता है, कब आ जाएगा। अदरवाइज में कभी भी आप देखेंगे एजुकेशन को हमारा उद्देश्य नहीं रहा कि मतलब कम किया जाए। यूपीएससी का जैसे ही फीस कम किए, आप सोचिए कि यूरोप और अमेरिका वाले कितना आगे हैं। फीस जैसे ही कम किए थे, फोर्ब्स मैगजीन तुरंत कॉल किया। इट मींस कि वो भारत पर कितनी नजर बनाई है कि किस टीचर ने फीस को कम किया उसको इतना पता है। वो देश तभी तो आगे जाता है, एजुकेशन में उन लोग का इतना ज्यादा रहता है, इससे पहले नहीं आए थे लोग। उसको मुख्य यही था कि कैसे कम कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई भी ऐसे टीचर्स को रखे, वही टीचर है जहां पढ़ने के लिए आपको 2-2.5 लाख देना है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम, मतलब उसी लेवल के आएंगे लोग, समझा कि नहीं आ गया। थोड़ी चीज बहुत जल्दी उसका ऑफलाइन भी सेट कर दिया जाएगा चीजों को। ऑफलाइन में देखिए फीस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन आपको ही पता है एकोमोडेशन कॉस्ट हमें भी एक मकान मालिक को देना होता है। आप एक छोटा सा कमरा लिए होंगे ना, आपको फील हो गया होगा कि मकान मालिक लोग क्या है। फील होता है कि नहीं होता है? एक छोटा सा आपका क्या होता है, कमरा, बेड मिलता है, एक बेड में समझ में, उसमें एक मोटरसाइकिल रख दीजिए तो अगले दिन लॉज खाली कर, मोटरसाइकिल लेके आता है। हमारे यहाँ के लोग मकान नहीं बेचते, ये गलत फहमी मत रहिएगा, उन्हें पता है कि सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता। यहाँ के मकान मालिक लोग काफी समझदार हैं, और होना भी चाहिए, उनके भी बिजनेस, समझ में आएगी नहीं आएगा। तो चीजें थोड़ी सी महंगी होती है ऑफलाइन में, बट उतना नहीं होता है, फीस उतना ही रहेगा। एक चीज हम आपको अभी बता रहे हैं, ऑफलाइन जब रहे फीस उतना ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा रेंट होता है ना वो पर स्टूडेंट डिवाइड करके उतना ऐड कर दिया जाएगा, हमको इससे बहस नहीं रहता है। समझ में आएगी नहीं रहा? और हमारा अपना रहता तो भी टेंशन ही नहीं देता, बगीचे में पूरा खोल देते। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि आप क्लास दूसरी जगह सेट कर सकते हैं ना, तो हर चीज यहाँ का एरिया स्टूडेंट के हिसाब से ढल गया है। यहाँ आपको वही डॉक्टर मिलेंगे जिनको, जो स्टूडेंट लाइक इलाज को ठीक कर सके। यहाँ आपका पैर टूट गया तो जल्दी कोनो डॉक्टर ही नहीं मिलेगा आसपास में, लेकिन अगर आपको टाइफाइड हो गया है हर 2 गली के बाद एक डॉक्टर मिल जाएगा, जॉन्डिस हो गया है मिल जाएगा। तो यहाँ जहाँ स्टूडेंट रहते हैं ना वो पूरा एरिया हो जाता है। आप यहाँ मैच होगा 2 बजे तक हल्ला करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा कंकड़ बाग में हल्ला करके देखिए पुलिस आ जाएगी वहां पे, नहीं कर सकते। तो एरिया जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि चेंज कर सकते। यहां आपको किताबें मिल जाएंगी, यहां सारा चीज, यहां खोज के देखिए रेमंड का कपड़ा नहीं मिलेगा। आप स्टूडेंट रेमंड का पहनेगा, हाँ उसको चाहिए 400 रुपया में सीधा सीधावल बिना पैकेट वाला ठेला। उसी तरह तो आप कहीं कोचिंग सेट कर देते हैं तो क्लासेस तो पूरी हो जाएंगे, बट जो जरूरत है वो नहीं होगी। यहां अगर आप 10 रुपये में भी सरसों तेल खरीदने जाएगा, 20 रुपये का दे देगा, नहीं दे देगा, पता है स्टूडेंट है सब यहाँ पे, 2 रुपये का धनिया लेकिन थोड़ा तो दूर जाने पैसा नहीं होता। आपकी जरूरत की यहाँ हर एक चीज अवेलेबल है, हर चीज यहाँ अवेलेबल, हॉस्टल से लेके हर चीज। गर्ल्स का भी हॉस्टल का दिक्कत नहीं होता उतना, तो दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो सकता है। समझा कि नहीं? आप लोगों को मैप, वर्ल्ड मैप पूरा पढ़ा दिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग मैप को अच्छे से पढ़ें। फिर भी जिन लोग से बहुत सारी गलतियां होती हैं, दोबारा आपके पास चांस है,
रूम पार्टनर है या जो पढ़ लिया उनसे एक बार रिवीजन कीजिए। 10 दिन का आपके पास टाइम रहेगा इंडियन मैप शुरू करने में। आप में बहुत सारे लड़के इंडियन मैप पढ़ चुके होंगे, जो पढ़ लिए मैप, जैसे आप वर्ल्ड मैप पढ़ लिए, आपको पता है कि मैप की अहमियत कितनी है। आप बताइए, अगर हम आपको बिना मैप पढ़ाए ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? कभी पढ़िएगा आप अपने छोटे भाई बहन को, आप कभी ऐसे जगह पे पढ़ने को बोलिएगा जहां बिना मैप ज्योग्राफी खत्म हो जाता है? इंडिया में ये आज भी होता है कि बिना मैप पढ़ाए ज्योग्राफी खत्म हो जाता है, आज भी ये होता है। तो एजुकेशन सिस्टम कहां जा रहा है हम लोग का? चौपट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग